All right, good evening everyone. Hi, good evening Shivank, good evening Rupit. Hi Jalaj. Good, hi Prathamesh. Great. Rukved ne to doubt puchna shuru kar diya. मैं आंसर करता हूँ रुकवेद तुम्हारे डाउट को. हाँ हाँ सुमित, मैं एक बार क्विक रिकैप लूंगा. सो मानस ने मुझे बताया कि आप लोगों का मैथ्स का क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ. कहां से आया ये फैक्ट अनु? आउट ऑफ द ब्लू. Hi guys. All right. So, मैं एक बार पहले क्विक रिकैप कर देता हूँ अपनी लास्ट क्लास का एंड देन वी आर गोइंग टू रिज्यूम फ्रॉम दैट इटसेल्फ. नाउ बिफोर आई स्टार्ट टुडेज डिस्कशन, कपल ऑफ क्वेश्चंस आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स रिगार्डिंग यू नो हाउ द प्रेपरेशन शुड बी फॉर द चैप्टर्स दैट हैव बीन डन. Right, so a lot of you have completed mole concept as a chapter and apna atomic structure abhi currently chal raha hai. So future tests ya future exams ke perspective se, what should be your preparation, how you should do revisions, let me quickly talk about that in a quick 5-minute session. So the focus point of discussion is how to do the revisions of chapters already done. So to give you an idea of how at an overall level the revision should be there, the revision should be structured, is that 80% is problem solving. ठीक है, मेयरली 20% विल बी थियरी. सो थियरी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में रिसोर्सेस क्या क्या रहेंगे? ठीक है, आपके पास आपके नोट्स रहेंगे या फिर एक कोई फॉर्मूला शीट आपने बनाई हुई होगी, फॉर्मूला शीट या समरी शीट, एंड एट मैक्स you can have certain reference from NCERT. और बाद में जब आप organic inorganic पढ़ोगे, ठीक है, अभी physical chemistry में इतना जरूरत नहीं पड़ता है. physical chemistry में जो theory रहेगा वो मैं majorly आपके साथ में notes में ही cover कर दूंगा, but organic inorganic में हाँ थोड़ा बहुत reference books का theory part भी रहता है. so this is just 20% of the effort that should go in your revision. The remainder 80% of your revision should go in your problem solving. ठीक है, now what do I mean by problem solving? यहाँ पर ध्यान से notice करना, for each chapter at least 50 to 100 questions का bank, or I should say shortlist should be created and updated. Now what are these select questions? These are
certain good questions, certain questions which you would have come across in your notes, in the booklet, in DPPs or in assignments, right, in test papers, or in certain reference book that you would be solving. In सबके अंदर आप कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे फॉर अ गिवन चैप्टर, ठीक है, व्हाइल द चैप्टर इज गोइंग ऑन. एंड इवन जब चैप्टर खत्म हो चुका होगा तो उसके बाद में आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कभी कभी खुद से भी कुछ टेस्ट पेपर्स देंगे या आपको बीच बीच में कुछ असाइनमेंट्स मिल जाएंगे. तो ये कंटिन्यूसली आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा. एंड देयर शुड बी अ लिस्ट ऑफ दोज सिलेक्ट क्वेश्चंस विच आर ट्रिकी, विच आर यू नो समथिंग दैट वर कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट, ठीक है, यू कैन से दे वर डिफिकल्ट और ट्रिकी, ठीक है, दे वर समथिंग विच यू नो वर प्रोन टू केयरलेस मिस्टेक्स, दे हाईलाइटेड योर केयरलेस मिस्टेक्स. यूनिट्स में बोल लो या साइन कन्वेंशन में बोल लो या डिफरेंट टाइप की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उन क्वेश्चंस में हाईलाइट हुई थी. तो ऐसे क्वेश्चंस का एक सिलेक्ट बैंक आपके पास में रेडी रहना चाहिए. एंड ये कंटिन्यूसली अपडेट होता जाता है, विच यू शुड रीसॉल्व, ठीक है. व्हेन आई से रीसॉल्व, रिविजन मतलब होता है रीसॉल्व, ठीक है, री रीड नहीं होता. री रीड का जमाना गया, वो आप 10th क्लास में करते थे. अभी 11th 12th क्लास में ऑल थिंग्स हैव टू बी डन बाय राइटिंग. जितना पेन चलाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है. तो यू मस्ट रीसॉल्व दीज क्वेश्चंस विच आर यू नो समथिंग दैट विल गिव यू द आइडिया ऑफ हाउ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन अ पर्टिकुलर चैप्टर वॉज, ठीक है. तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर चैप्टर का रिविजन तैयार करोगे तो फ्यूचर में यू विल बी इन अ वेरी वेरी एडवांटेजियस पोजिशन, ठीक है. आप एक बहुत सिंपल सी चीज नोटिस करना, दैट जो ये जेई का एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है दैट हाउ स्टूडेंट्स आर एबल टू मैनेज देयर सिलेबस. मतलब ऐसा रहेगा कि अगर मैं सब स्टूडेंट्स को ना एक ही चैप्टर का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बोल दूं तो आप लोगों के स्कोर्स ना ऑलमोस्ट आसपास ही आएंगे, इतना फर्क नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर में इतना इंटेलिजेंस का अंतर पता नहीं पड़ता, इतना हार्डवर्क का अंतर पता नहीं पड़ता. बट वहीं पर 2 साल के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कंबाइंड नंबर ऑफ चैप्टर्स रफली अराउंड 100 हो जाते हैं. तो योर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज दैट नॉलेज, योर एबिलिटी टू रिवाइज दैट नॉलेज इज वॉट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. And that is what differentiates between students who are intelligent versus students who are intelligent and hardworking. तो यहाँ पर ये revision का आदत बनाना is what is going to be a key differentiator between students who are going to be successful versus students who will not be there yet. So this is something which is very very important for you to understand. ठीक है, priority. ठीक है, while studying, priority should always be given to current topic. ठीक है, ये एक important learning है which comes to a lot of students the hard way. But मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस चीज में काफी important time खो दें एंड बाद में खुद से रियलाइज करें. जो बैकलॉग है वो बैकलॉग रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर आपको पैरेलल में वर्क करना पड़ेगा. बट प्रायोरिटी शुड बी ऑलवेज गिवन टू द करंट टॉपिक वट एवर यू आर स्टडिंग. अभी ऐसा नहीं कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का होमवर्क छोड़ के मोल कंसेप्ट का करने लग गए क्वेश्चंस. प्रायोरिटी में पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का काम पूरा होना चाहिए, उसके बाद पुराने चैप्टर्स के ऊपर आप अपना ध्यान दोगे.
ठीक है, एंड रिविजन्स जो पुराने चैप्टर के रहेंगे वो आपके तभी अच्छे से हो पाएंगे जब वो स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, ठीक है। रिविजन्स मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम आने वाला है और मैं आपको पूछूं कि रिविजन कैसे करना है एंड यू हैव अ ब्लैंक फेस। दिस मस्ट बी डन इन पैरेलल वीक्स बिफोर मेजर टेस्ट। अभी आप लोगों का कोई मेजर टेस्ट हुआ नहीं है, ठीक है, अभी आप लोग सिंपल टॉपिक बाय टेस्ट ही दे रहे हो, बट धीरे धीरे जब ये सिलेबस बढ़ता जाएगा देन दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली यू गाइज विल हैव डेज जहां पर यू वोंट हैव टाइम, बट एट द सेम टाइम यू विल हैव डेज जहां पर यू कुड सी दैट यू नो इस हफ्ते में दीज कपल ऑफ डेज आर समथिंग विच आर रिलेटिवली फ्री, सो हाउ आई शुड प्रायोरिटाइज माई वर्क इन दोज डेज। एंड वेन इट कम्स टू प्रायोरिटी, एज आई सेड, ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू द करंट टॉपिक, ठीक है। इफ यू हैव मिस्ड द लेक्चर देन द गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इज दैट यू हैव द रिकॉर्डिंग, यू कुड गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एट ट्वाइस द स्पीड, ठीक है। जस्ट नोट्स पढ़ के आपको वो लर्निंग नहीं आ पाएगी, आई वुड रिकमेंड टू गो थ्रू द लर्निंग, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, बिकॉज देर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच समटाइम्स आर सेड एंड नॉट रिटन, ठीक है। आप चाहिए तो एक बार क्विकली नोट्स के थ्रू ब्राउज कर लो, जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको फिर आप रेफर कर लो जाके रिकॉर्डिंग में, बट वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, सो 5 मिनट की जगह 10 मिनट का हो गया ज्ञान सेशन, बट ठीक है, आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। धीरे धीरे डिफरेंस इसी लाइन्स पर आने लग जाएगा, दो स्टूडेंट्स आर एबल टू स्ट्रक्चर देयर रिविजन वेल are going to be able to do much, much better. ठीक है, हाँ, so Akshat, मैंने exactly यही बताया ना, you don't need to practice all numericals. When you practice questions, जो आपको resources दिए जा रहे हैं, these are your umbrella resources. ये आप practice करते जा रहे हो, जैसे जैसे आपका chapter currently चलता जा रहा है, ठीक है। आपको नोट्स में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बुकलेट में क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, होमवर्क दिया जा रहा है, डीपीपीज दी जा रही हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स मैं भेज दूंगा, टेस्ट पेपर्स मिलते जाएंगे, रेफरेंस बुक आप पैरेलली में सॉल्व करने शुरू कर दोगे आफ्टर सम टाइम। तो ये सब पैरेलल में जो हो रहा है इसमें से हाईलाइट करना, शॉर्टलिस्ट करना, इनसे आपको यहाँ पर ये 50 to 100 क्वेश्चंस का बैंक बनाना, ये एक इंडिविजुअल लेवल की एक्सरसाइज होती है जो आपको खुद से करनी पड़ेगी। ये बैठे बैठे लड्डू नहीं मिलेगा कि ये लो 50-100 क्वेश्चंस और ये आप रिवाइज कर लो तो आपका काम चल जाएगा। इट इज नॉट अबाउट द एंड रिजल्ट, इट इज द प्रोसेस। द मोर इन्वॉल्व यू आर इन द प्रोसेस द बेटर योर चांसेस वुड बी एट एसिंग इट, ठीक है। ऑलराइट, सो आई थिंक अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन, अब हम लोग हाँ हाँ आप अलग से इनका नोटबुक बनाओ, जो ये 50-60 क्वेश्चन रहेंगे, 50 to 100 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर, दे शुड बी केप्ट सेपरेटली और दे शुड बी हाइलाइटेड एटलीस्ट, दैट फ्यूचर में मुझे रिवीजन करना है तो आई नो वेयर दीज क्वेश्चंस आर, ठीक है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन देयर एग्जाम्स और देयर पेपर्स विदाउट गोइंग थ्रू दिस, मतलब उन्होंने बस ये थ्योरी और नोट्स रिवाइज कर लिए और टेस्ट में अपीयर कर गए। Those students would have suffered जब results आए होंगे तो, ठीक है। So you should be very clear regarding this going forward, ठीक है। And धीरे धीरे आपको ये learnings खुद से भी आने लग जाएंगी, but ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा पहले इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर रहा हूँ so that you take preventive measures up front, ठीक है।
All right. Now, apart from this, मैंने आप लोगों को आज ग्रुप पे एक होमवर्क भी शेयर किया था सुबह, ठीक है? FBS पार्ट का होमवर्क मैंने करने को बोला है आप लोगों को. Now, the questions that are there in that section, conceptually अच्छे questions हैं, ठीक है? The difficulty level is average or below average only, ठीक है? But उसमें calculations बहुत गंदे हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों को पहले से एडवाइस कर रहा हूँ दैट डोंट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशंस इन दोस क्वेश्चंस. द डेटा इज पैथेटिक. मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर होमवर्क के लिए. यूज द कैलकुलेटर एंड जस्ट इंश्योर दैट योर आंसर्स आर मैचिंग बिकॉज द डेटा इज सो बैड दैट इवन इफ यू यूज कैलकुलेटर मतलब इवन इफ यू ट्राई टू डू इट मैनुअली तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड आई डोंट वांट यू टू डू दैट और स्पेंड दैट टाइम अननेसेसरली. कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से इक्वेशंस फॉर्म करो, डेटा सब्स्टिट्यूट करो एंड डेटा सॉल्व करने के लिए फॉर दिस होमवर्क ओनली, ठीक है? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस देखे हुए हैं, डेटा इतना अच्छा नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना. गेट द आंसर्स एंड जस्ट इंश्योर कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका है, ठीक है? सो नाउ लेट मी टेक अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट क्लास. हम लोगों ने डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस डिस्कस करा था एंड इन दिस मैंने आप लोगों को डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट बताया था सबसे पहले दैट डी ब्रॉगली प्रपोज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर and the mathematical relationship between the wave nature and the particle nature of matter. And we highlighted the fact that it is important at a subatomic scale, not significant at a large scale. And we applied the concept of de Broglie over Bohr's model of atom and arrived at the same result which Niels Bohr had arrived using the particle nature of electron. Okay, this MVR is equal to NH upon 2 pi. So, यहीं से अपना discussion continue करते हैं. Let me put the heading here. De Broglie's hypothesis continued. Now, इसमें अब आप observe करना. Based on our discussion, last time that we did, let me actually put forward a question and वहां से अपन लोग अपना discussion continue करेंगे. So you have this question in front of you. Find out the number of waves made by a Bohr electron in one complete revolution in its third orbit. Okay, FBS ka hi question hai. Now, ha Poona, correct answer hai aapka. So, यहां पर ऑब्जर्व करना जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट इलेक्ट्रॉन एज वेव हम लोगों ने पुट करा था एज पर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस राइट एंड हमने देखा था एग्जिस्ट्स इन अ स्टेबल मैनर around nucleus if the region in which it exists okay the circumference is such that it contains integral number of wavelengths. So yahan par jo n tha this actually corresponds to orbit number as well as
number of waves present in the orbit, right? For example, जैसे अगर third orbit के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? The question talks about third orbit. तो इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड दिस इज द थर्ड ऑर्बिट. तो जो वेव फॉर्म है दिस विल बी कंप्लीटिंग थ्री वेव्स, ठीक है? ये एक क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये एक वेव हो गया, फिर एक क्रेस्ट एंड ट्रफ दूसरा वेव हो गया, फिर एक क्रेस्ट एंड ट्रफ तीसरा वेव हो गया, ठीक है? अगर एन इक्वल टू फोर की बात हो रही हो, ठीक है, तो उसके अंदर देन देयर विल बी फोर वेवलेंथ्स, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है? थोड़ा सा लाइक बेयर विद माय ड्राइंग. ओप्स, ओहो, लास्ट अटेम्प्ट. एक दो नहीं, फिर ये तीन चार हो गया. हाँ, चलेगा इतना, ठीक है? सो राइट, यहां पर थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है. So n is equal to 3 will be your correct answer. ठीक है, ऑल राइट. नाउ अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करना. लेट मी इनफैक्ट गिव यू वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द बुकलेट, ठीक है? एक और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना. सो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस को ईज आउट करने के लिए यहाँ पर ऑब्जर्व करना. फॉर एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जनरल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, हम लोगों ने लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है? Or you can also write h upon root 2 m ke, ठीक है? Kinetic energy उस object का आप यहाँ पर half mv square put कर दोगे तो मैं यहाँ पर kinetic energy भी लिख सकता हूँ, ठीक है? अब अगर instead of any general object, let's say it was a charged object or a charged particle, ठीक है, ठीक है, which was accelerated from rest, which was accelerated from rest through a potential difference of v volts. So, इसका मतलब क्या हो जाता था? That the change in kinetic energy was mod qv. ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है. तो I can substitute that lambda, ठीक है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ रहेगा उस पार्टिकल का, which we can write as h upon mv or h upon root
2m kinetic energy. This can also be written as h upon root 2m qv, where the q is the charge of the particle. ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आया आपको? ठीक है, ये किसी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए काम आ जाएगा. ठीक है, वेयर एज दिस वन, यहां पर काइनेटिक एनर्जी फॉर अ चार्ज पार्टिकल कैन आल्सो बी रिटन. ठीक है, अब इसमें एक और लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन रहेगा यहां पर ऑब्जर्व करना. फॉर इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का हमको मास का वैल्यू पता है, चार्ज का वैल्यू पता है, और ये हम लोग सब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, अपॉन सब्स्टिट्यूटिंग डेटा ऑफ एच एम क्यू, ये सब करने पर, तो यहां पर ऑब्जर्व करना, लैम्डा विल कम आउट टू बी, ठीक है, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कम्स आउट टू बी रफली 150 अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड, और 150 अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ जाएगा फॉर एन इलेक्ट्रॉन. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है, ये और किसी पार्टिकल में मत अप्लाई करना. अगर अल्फा पार्टिकल वगैरह दे दिया तो फिर प्रॉपरली डेटा उसका सब्स्टिट्यूट करना. प्रोटॉन दे दिया तो उसका प्रॉपर डेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना. ये जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट दिया है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा. ठीक है, ये समझ में आया आपको? ज्यादा ही जूम आउट कर दिया आज मैंने, हाइलाइटर छोटा पड़ गया. राइट, नाउ बेसिस दिस, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा सकता हूँ जहां पर आप न्यूमेरिकली थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो. ठीक है, तो यहां पर लेट्स डू अ क्विक क्वेश्चन. अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन first excited state emit photons upon de-excitation. These photons strike a metal plate. Of work function say 5.2 eV. Determine the de Broglie wavelength of fastest electron ejected from this metal plate. ठीक है, angstrom में निकाल लेना. ट्राई करो. ठीक है, द क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सब कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आ रही है. ठीक है, एंड स्क्वायर रूट में भी दे दोगे चलेगा, मतलब डोंट ट्राई टू ओवर सिंप्लीफाई.
हाँ हर्ष सही है। हाँ राइट अनु। सो कैसे करेंगे इसको, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी ट्राई टू। सो यहाँ पर यू हैव सर्टन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, एंड इन दीज एटम्स डी एक्साइटेशन फ्रॉम एन इक्वल टू 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 एन इक्वल टू वन इज हैपनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एज अ रिजल्ट फोटॉन्स आर एमिटेड। दीज फोटॉन्स दे आर स्ट्राइकिंग अ मेटल प्लेट, ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 5.2 eV। अब ये एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना रहेगा? दिस एनर्जी ऑफ फोटॉन विल करस्पॉन्ड टू द एनर्जी गैप बिटवीन एनर्जी लेवल टू एंड एनर्जी लेवल वन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एंड मुझे तो देखो रट्टा है, ठीक है, मुझे पता है कि एन इक्वल टू वन इन हाइड्रोजन इज -13.6 eV, एन इक्वल टू टू इज -3.4 eV, एन इक्वल टू थ्री इज -1.51 eV, ठीक है। ये हाइड्रोजन की वैल्यूज याद रख लेना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा। अभी जो मैंने FDS के क्वेश्चंस आपको दिए होमवर्क में, उसमें यू शुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस अ बिट मोर फास्टर इफ यू रिमेम्बर द एनर्जी डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो मुझे क्योंकि ये वैल्यूज याद है, तो आई कैन क्विकली टेल दैट ये 10.2 eV का एनर्जी का फोटॉन एमिट हो रहा होगा। एंड ये फोटॉन जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। एंड आई कैन राइट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। सो दिस इज 10.2, दिस इज 5.2, एंड वेन आई सॉल्व आई विल गेट द के मैक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज 5 eV। सो नाउ आई यूज द रिलेशनशिप जो मैंने ऊपर लिखा था फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा डी ब्रॉगली, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऊपर भी मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी इक्वल टू √150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो आपका आंसर आ जाएगा √30 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो हाँ ठीक है, बाकी लोगों को भी समझ में आया क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर? यहाँ पर डी एक्साइटेशन की वजह से फोटॉन्स निकले एंड वो फोटॉन्स मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करके उनसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवा रहे थे, ठीक है। ऑल राइट, चलो एक और क्विक क्वेश्चन कर लेते हैं। डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ
an alpha particle accelerated from rest through a potential difference of 5 volt. नहीं हर्ष, आपका डाउट समझ में नहीं आया. रूट ऑफ 150 बाय वी, वी एक्सेलरेशन क्या लिखा है आपने? व्हाट डू यू मीन बाय वी एक्सेलरेशन? हाँ मैं अनम्यूट कर दूँ, अपना हैंड रेज करो. You don't have that option. Sure. Hello sir. हाँ बोलो. Sir, मैंने ऐसा read किया था कि lambda is equal to whole root of 150 upon v acceleration. So जो हम potential देते हैं ना electron को extra. Sir, वो तो मेरे को पता नहीं कि sir सही है या नहीं. हाँ तो वो लिखा ना मैंने ऊपर यहाँ पे जब formula बताया था. This V is the potential difference through which the electron is accelerated. Ye V volts. Yeah. So sir, this V is similar to K. So electron ke case mein actually wo same ho jata hai na? Kyunki charge jo hai wo 1.6 into 10 ki power minus 19 coulomb hai. Yes sir. मैंने इसीलिए एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन कराया है बिकॉज अभी मुझे कई बच्चे इसमें भी आंसर 150 बाय 5 दे देंगे. गड़बड़ हो जाएगा. यस सर, थैंक यू सर. हाँ ये दिया ना श्रेयस ने. गुड श्रेयस, यू आर माय फेवरेट. मैंने थोड़ी देर पहले मना करा था कि ये मत करना. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है. ठीक है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल दे रहा हूं मैं. सो लैम्डा डी ब्रॉगली इक्वल टू रूट 150 बाय 5 एंगस्ट्रॉम. ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर. वाई? बिकॉज द फॉर्मूला इज, और दिस फॉर्मूला आई शुड से, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बाकी केस में आपको मैंने सिंप्लीफाई करके नहीं दिया हुआ है तो आपको इसमें प्रॉपर अब सॉल्व भी करना पड़ेगा. कैसे करोगे? एच अपॉन रूट टू एम के ई, और के ई को आप जरूर लिख सकते हो रूट टू एम क्यू वी. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डेटा डालो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34. ये एच का एसआई यूनिट में वैल्यू रहेगा. देन मास कितना रहेगा अल्फा पार्टिकल का? इट विल बी 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन रफली. ठीक है, और मास केजी में लिखना. ठीक है, सब ऐसा यूनिट में, ये जूल सेकंड में है, ये केजी में जाएगा. चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना रहेगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 5 वोल्ट्स है. ठीक है, अब आप इन सबको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका अब करेक्ट आंसर आएगा मीटर्स में. ठीक है, तो अब मैंने तो सॉल्व करा नहीं है, बट हाँ आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अब एसआई यूनिट्स में करेक्ट आना चाहिए. नहीं हर्ष, आप काइनेटिक एनर्जी को माइनस पीई बाय टू नहीं लिख सकते फॉर दिस अल्फा पार्टिकल. ये जो रिजल्ट था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई बाय टू, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए था, और वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज बाउंड विद इन द न्यूक्लियस, बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब एटम के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए भी नहीं है ये वाला रिलेशनशिप.
ठीक है. सो हर्ष का डाउट था, मैं सब लोगों को बोल देता हूँ. हर्ष का डाउट था दैट कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 और माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2. ये रिजल्ट हम लोगों यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, पहली बात क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, और दूसरी बात ये रिजल्ट इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हुआ था, वो भी इनसाइड एन एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए भी नहीं है. ठीक है. अच्छा केदार, केदार तुमने क्या कर दिया, रूट 15 कैसे आंसर आ गया तुमने? चार्ज, बस चार्ज डबल है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया ऐसे ही मन से ही. मास भी तो अलग होगा ना अल्फा पार्टिकल का, मास इज ऑल्सो डिफरेंट. तो ऐसे जुगाड़ फॉर्मूला मत बनाओ. ठीक है. हाँ मतलब आप लोग सॉल्व कर लेना, मैंने ये सॉल्व नहीं किया है, बट मीटर में आंसर आएगा, उसको आप अप्रोप्रिएटली कन्वर्ट कर देना. ठीक है. ऑल राइट, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से ट्राई करवा लेता हूँ. ठीक है, लेट मी फाइंड दैट क्वेश्चन. ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो लेट्स सी. बुकलेट का ही है, ट्राई करो. नहीं अर्पित, सिंगल आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द, सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्सेस. आप इलेक्ट्रॉन का ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो. आप बोलो कि इलेक्ट्रॉन पर ग्रेविटेशन का फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो हम उससे निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन पर अगर कोई दूसरे चार्ज का जैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा होगा तो आप बता सकते हो कि उससे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा होगा. ऐसे आइसोलेटेड के लिए नहीं. करो करो इसको सॉल्व करो. प्रथमेश, मैंने ऊपर वाले का कैलकुलेट नहीं करा है इसलिए मुझे पता नहीं है. ठीक है, आई विल हैव टू डू द कैलकुलेशन. ये वाले का तो ऑप्शन में से चूज करके बताओ ना, मैं देख के बताता हूँ. हर्ष, हाँ करेक्ट है हर्ष तुम्हारा आंसर. हाँ राइट पूर्णा, राइट श्रेयस. नहीं जलज, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन.
नहीं आया आपका, तो एक बार आप लोग अब दोबारा सोचो, देखो, ट्राई करो कहाँ पे गड़बड़ हुई। मतलब करेक्ट आंसर इज सी, हाँ प्रथमेश, करेक्ट। चलो अब मैं बता देता हूँ कैसा रहेगा। तो पहला सिचुएशन देखना, डेल्टा के ई, ठीक है, इनिशियली कैसा है, यहाँ पर रेस्ट पर है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में दैट इनिशियली एट रेस्ट एंड 100 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट करा है, ठीक है। सो डेल्टा के ई विल बी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इम्प्लाइज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 100 eV, ठीक है। अब दूसरा केस देखना, यानी कि जो लैम्डा वन लिखना है मुझे, लैम्डा वन कितना होगा, लैम्डा वन विल बी √50/100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसको रिटार्ड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेट हुआ था, यहां पर अब रिटार्ड कर रहे हैं थ्रू 19 वोल्ट्स। तो जो डेल्टा के ई रहेगा वापस से, डेल्टा के ई विल बी 19 eV, ठीक है। और इनिशियली अभी कितना था, 100 eV था, इनिशियली अभी 100 eV था, और अब वो 19 eV से कम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी 100 - 19, दैट इज 81 eV। तो अब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ रहेगा वो रहेगा √150/81 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिटार्ड करा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ठीक है। फिर से क्या करा, अब उसके बाद फर्दर वापस से रिटार्ड करा, कितना, 32 वोल्ट से। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये सब जो हो रहा है यहां पर, ये मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ही लिख पा रहा हूं, ठीक है, ये आ जाएगा 32 eV से कम हो जाएगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा फाइनली, यहां पे नोटिस करना, 81 तो पहले हो गया था, अब उसमें से 32 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये 49 eV रह जाएगा। तो इसका मतलब λ3 विल बी √150/49 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो नाउ इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ λ3 - λ2/λ1, तो ये कैसा रहेगा, λ3 विल बी 1/7, मतलब जो कैंसिल आउट हो सकता है वो मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, -1/9/1/10, ठीक है। तो ये आपका 20/63 आएगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि ये कैसे लिखा, ये इतना मैथ आपको आना चाहिए। ये λ1, λ2, λ3 को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो कैंसिल आउट हो सकता था उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया आपको, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, ऑल राइट। सो दिस वाज डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, ठीक है, जो हम लोगों ने आज फोकस किया। एक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन तो बोर्स मॉडल के ऊपर है, ठीक है, एंड द सेकेंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इज समथिंग दैट वी आर सीइंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और अदर फ्री पार्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज अ जनरल हाइपोथेसिस, इट इज एप्लीकेबल ऑन नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बट ऑल्सो ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स ऑल्सो, ठीक
ठीक है. अभी लेट मी फाइंड वन मोर क्वेश्चन. एक्चुअली आई वांटेड टू डू दैट क्वेश्चन एज वेल बिफोर वी मूव ऑन टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. लेट मी फाइंड कहाँ गया वो क्वेश्चन. लेट मी चलो फ्रेम दैट क्वेश्चन. इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स, then determine the de Broglie wavelength of electron in third orbit of H. ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है. हाँ 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 एकदम सही प्रथमेश, तुम तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो. ठीक है ठीक है, आई अग्री योर आई अंडरस्टैंड योर एंथुसियाज्म. तुम्हारा आंसर करेक्ट है. तुमने अभी क्या कल परसों सॉल्व करा था क्या ये क्वेश्चन? नहीं शिवांक, आपका आंसर करेक्ट नहीं है. गुड गुड, अच्छा है. नहीं हर्ष, नहीं श्रेया, आपका आंसर करेक्ट नहीं है. आज सानिका आंसर नहीं दे रही. सानिका है कि नहीं आज क्लास में? अदरवाइज उसके भी आंसर आते हैं जनरली. नहीं पूर्णा, आपका भी आंसर करेक्ट नहीं है. हाँ हर्ष, अभी आपका आंसर करेक्ट आया. हाँ राइट हार्दिक. और कौन कौन? आज अर्पित भी आंसर नहीं दे रहा है. रावी, शेखर, और कौन कौन थे यार जो सब आंसर देते? आस्था भी आंसर देती थी पहले, आज आस्था ने भी आंसर नहीं दिए. ऑलराइट, सो मैं बताता हूँ इसका कैसे अपन सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना. सी, इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट के बारे में बोला जा रहा है. ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना दिया जा रहा है? एक्स. ठीक है, सो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना होगा? 9x. why? because r is proportional to n square. ठीक है, नाउ अरे एक सेकंड.
Just give me 1 second, guys. ठीक है, सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज गिवन टू यू एस एक्स, सो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना हो जाएगा 9x. व्हाई? बिकॉज रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. नाउ यहां पर आप ऑब्जर्व करना, फॉर थर्ड ऑर्बिट टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. ठीक है, यहां पर एक एक टर्म क्या है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना. आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट एज वेल एज नंबर ऑफ वेव्स इन द ऑर्बिट. एंड लैम्डा क्या था? लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट के हम बारे में बात कर रहे हैं. तो यहां पर 2 पाई और रेडियस कितना लिखना पड़ेगा अभी 9x, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है. n का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा एंड लैम्डा हमको निकालना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द थर्ड ऑर्बिट. सो मेरा लैम्डा का रिजल्ट क्या आ गया? इट केम आउट टू बी 6 पाई x. दिस इज व्हाट इज माय आंसर. समझ में आया? ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने अभी सही आंसर दे दिए. हाँ नहीं, मैंने एक्स का वैल्यू नहीं दिया ना. अब आप एक्स का वैल्यू डाल दोगे 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो हाँ आपको डेटा भी मिल जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस वाज, आई थिंक नाउ वी हैव अ गुड इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस फ्रॉम अ न्यूमेरिकल स्टैंडपॉइंट ऑल्सो. ठीक है, फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैंडपॉइंट मैंने आप लोगों को यही बताया था दैट वेव नेचर को विजुअलाइज करना वुड नॉट बी समथिंग दैट इज एन इजी जॉब. ठीक है, जैसे ऋग्वेद ने आज क्लास स्टार्ट होने पर मुझे पूछा था, सर टेनिस बॉल का वेव नेचर कैसे समझेंगे? इज द टेनिस बॉल ऑसिलेटिंग अप डाउन? नो, नॉट रियली. ठीक है, सो यहां पर एज एन एंडिंग नोट मैं बस आपको यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं. ये हमारा लास्ट क्लास में स्टेटमेंट मैं लिख नहीं पाया था, बट अभी वाइल क्लोजिंग दिस डी ब्रोगलीज टॉपिक लेट मी राइट इट डाउन दैट डी ब्रोगली'स हाइपोथेसिस वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरिफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट थे, in a crystallography experiment using nickel crystal and electron beam. ठीक है, they observed electron
showing interference and the experimentally calculated wavelength, ठीक है, from the interference observation matched with de Broglie's formula. De Broglie का जो theoretical result था, lambda is equal to h upon mv या h upon under root of 2mke या root 150 by v, उससे ये experimental wavelengths match कर रही थी, ठीक है. अब ये actually आप लोगों को मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि इसकी डिटेल्स क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की, एंड एक्चुअली ये केमिस्ट्री के पोर्शन में डिटेल में ये है भी नहीं आपके लिए एक्सपेरिमेंट, ठीक है. ये आप फिजिक्स में जब थोड़ा सा और वेव्स के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपको एक ब्रैग्स लॉ करके बताएंगे, ठीक है, फिजिक्स में आएगा ये, तो वहां पर देयर विल बी दिस discussion of this particular experiment of crystallography and वहां पर डिटेल में आपको बताया जाएगा कि एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था एंड कैसे कैलकुलेशन हुई एंड वो मतलब इजी कैलकुलेशन है, इट इज नॉट डिफिकल्ट कैलकुलेशन, बट उसमें थोड़ा इन डेप्थ फिजिक्स लगती है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंगल्स एट विच इंटरफेरेंस हैपन एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड, तो वो हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, बट मैं ये नोट के लिए जरूर लिखूंगा आपके लिए कि फ्यूचर में इसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है. जेई के सिलेबस में है ये, बट नॉट समथिंग दैट कैन बी स्टडीड राइट नाउ, बाद में डेफिनेटली आप स्टडी करोगे इसको, ठीक है. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. जैसा मैंने आपको बताया था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी दैट हैपेंड विच टेल्स अस something very fundamental about how the world works or how something non-intuitive exists in front of us. क्या रहेगा, कैसे रहेगा, पहले मैं आपको इसमें statement बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना. थोड़ा सा इस topic के साथ में again starting में थोड़ा सा discomfort रहेगा, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेयर करना मेरे साथ. द फ्लो इन विच आई एम गोइंग टू टेक दिस टॉपिक इज फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द स्टेटमेंट, ठीक है, उस स्टेटमेंट के साथ में एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, देन आई विल गिव यू द मैथमेटिकल रिलेशनशिप कमिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट, ठीक है, नो डेरिवेशन, इसके पीछे की मैथ्स नहीं आती है अपने को, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं दूंगा, मैथमेटिकली मैं बताऊंगा कि स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, एंड देन आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट दिस इज. ये एक्सप्लेनेशन समझने के बाद में आपको थोड़ा सा कंफर्ट आएगा, बट ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट एंड द मैथमेटिकल वर्जन ऑफ इट, यू विल बी नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, सो बेयर विद दैट फॉर अ वाइल. सो व्हाट हाइजेनबर्ग सेड एंड व्हाट हिज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट वाज, यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करना. द स्टेटमेंट गोज इन दिस मैनर. It is not possible
to determine the exact position and exact momentum of a particle simultaneously. It is not possible to determine. इसमें एक एक word important है, ठीक है, exact position as well as exact momentum simultaneously, ठीक है. आप एक को determine करोगे तो दूसरा uncertain हो जाता है, ठीक है. यहां पर mathematically observe करना, what he said was that the uncertainty in position and uncertainty in momentum are related by the following mathematical relationship, h upon 4 pi or h cross by 2, या ऐसे ये h bar by 2 लिख देते हैं. ये h bar का मतलब होता है h upon 2 pi, क्योंकि h bar is h upon 2 pi. So यहां पर delta x, this is the uncertainty or error in measurement of position. अभी बस सुनना, मैं explain करूंगा थोड़ी देर में. Uncertainty or error in measurement of position delta p is the uncertainty or error in the measurement of momentum. Abhi since momentum can be written as mass into velocity, right? So change in momentum delta p can be written as m delta v. ठीक है, तो I can also rewrite this expression as delta x dot m delta v is greater than h upon 4 pi. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, where m would be the mass of particle and v, or you can say delta v, is the uncertainty or error in the velocity ठीक है of particle. ठीक है, don't use the word speed here. ठीक है, छोटी छोटी finer details है, वो मैं आपको highlight करा दूंगा. कई जगह पर use हो जाएगा, but जो technically correct statement है उसमें ये velocity है. ठीक है, position, momentum, velocity. ठीक है, so this is the mathematical statement h upon 4 pi or h bar upon 2 या फिर delta x dot m delta v is greater than h upon 4 pi. So what Heisenberg says, ठीक है, इसका kind of एक simplified understanding जो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा. सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग क्या है यहाँ पर, दैट इफ वी
डिक्रीज डेल्टा एक्स, ठीक है, दैट इज वी ट्राई टू मेजर द पोजिशन एक्यूरेटली then delta p increases, that is uncertainty in momentum increases. We will not be able to measure the momentum accurately. ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई. तो अगर आप एक टर्म को बढ़ाओगे तो दूसरा टर्म कम हो जाएगा, या एक को कम करोगे तो दूसरा टर्म बढ़ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग इज, दैट you cannot measure the exact position and exact momentum of a particle simultaneously. अगर आप कोई एक चीज को accurately determine करने की कोशिश करोगे out of position, out of momentum, so दूसरा property उसका uncertainty automatically बढ़ जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद यहां पर नोटिस करना अ फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, दीज आर समथिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड दे विल हेल्प यू टू आंसर सम ऑफ योर डाउट्स एज वेल. ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना पहला पॉइंट, एच यू पी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल to all, is applicable on all particles. ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता, टेनिस बॉल पर भी एप्लीकेबल है, एटम इलेक्ट्रॉन पर भी एप्लीकेबल है. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन ऑल पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक हो या फिर माइक्रोस्कोपिक हो. ठीक है, हाउएवर द थिंग इज दैट एट अ मैक्रोस्कोपिक लेवल इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता. ठीक है, मतलब ऐसा रहेगा कि आपके पास एक टेनिस बॉल है, ठीक है, एंड आप बोल रहे हो कि इस टेनिस बॉल का स्पीड मुझे पता है या इसका मोमेंटम से 0.1 केजी पर मीटर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, ये इस टेनिस बॉल का मोमेंटम रहेगा, केजी मीटर पर सेकेंड ये इसका मोमेंटम है. ठीक है, अब मान लो इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो मान लो इसका 1% है. ठीक है, तो आप इसको पुट करोगे यहां पर, ठीक है, और आप डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालोगे. ठीक है, 1% ऑफ 0.1 आप यहाँ पे पुट करोगे और डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालोगे. अभी जो एच का वैल्यू है ये 10^-34 के ऑर्डर का है, तो जो डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा ये इतना छोटा आएगा 10^-34 मीटर के आसपास, कि आप बोलोगे कि मतलब ठीक है ना, इतनी अनसर्टेनिटी से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है. मतलब जहां पे मेरी टेनिस बॉल का साइज ऐसे 2-3 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में है मेरा टेनिस बॉल का साइज, 3-4 सेंटीमीटर है ये, तो अब ये 10^-34 मीटर की अनसर्टेनिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी, सो आई डोंट बॉदर अबाउट दैट. ठीक है, हाउएवर the applicability of Heisenberg's uncertainty principle is on all particles. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. So second statement I would say HUP plays a significant role at a small scale. ठीक है, इसका importance हमें तभी realize होता है जब हम छोटे scale पर जाते हैं. अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखना एच यू पी के बारे में, ये जो यहां पर मैं अनसर्टेनिटी और एरर के बारे में बात कर रहा हूं,
ठीक है, द अनसर्टेनिटी और एरर डिस्क्राइब्ड इन एचयूपी आर नॉट बिकॉज और आई शुड से विल स्टिल बी देयर इवन इफ वी हैड द मोस्ट परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, इवन इफ देयर इज नो मैनुअल एरर और एनीथिंग. ठीक है, द अनसर्टेनिटी और एरर डिस्क्राइब्ड इन एचयूपी will still be there even if we have the most perfect of instruments or measurement techniques. Okay, or eliminate एनी ह्यूमन एरर. ठीक है, आप सब चीजें हटा दो तब भी ये अनसर्टेनिटी परसिस्ट करती है. ठीक है, क्यों वो बहुत ही वियर्ड है वो मैं आपको थोड़ी देर में और समझाऊंगा. ठीक है, अच्छा एक और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमने ऊपर स्टेटमेंट यूज किया है. ठीक है, मस्ट बी अलोंग सेम डायरेक्शन. ठीक है, तभी ऊपर वाला स्टेटमेंट एप्लीकेबल है. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन अलोंग वाई एक्सिस ठीक है, देन डेल्टा पी जो हम लोग इस स्टेटमेंट में यूज करेंगे दैट विल बी द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, दे मस्ट बी इन द और मस्ट बी अलोंग द सेम डायरेक्शन. हाँ, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. ठीक है, अब इतना कुछ बताने के बाद समझाने के बाद में ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही इवेजिव रहता है. वी आर स्टिल नॉट एबल टू गेट एन आइडिया अबाउट इट. सो लेट मी शो यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है, ऑफ हाउ इन रियल लाइफ यू कैन सी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एट वर्क. ठीक है, गिव मी वन सेकेंड, आई विल शेयर अ वीडियो विद यू. अभी नहीं, लाइब्रेरी में नहीं था, कहाँ गया. इसमें डाला हुआ है ये वाला. वेट, आई विल शेयर दिस वीडियो विद यू. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. लेट मी शेयर इट ऑन विद एवरीवन ऑन चैट. ठीक है, देखो क्लिक हो रहा है.
चलो सब देखो ये वाला वीडियो एंड देन वी विल कम बैक एंड डिस्कस. But you can see it at work. Suppose I have a laser beam here, and I use laser beam because हाँ हाँ आप लोग वीडियो देखो ना. ऑल राइट सो 2 मिनट का वीडियो था. आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने देख लिया होगा. हाँ मतलब फॉर द पर्सन हु इज लुकिंग एट इट एट द फर्स्ट टाइम इट लुक्स लाइक मैजिक ओनली बिकॉज इट इज वेरी नॉन इंट्यूटिव. इट इज समथिंग विच इज सो सिंपल. इट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस बट वी डू नॉट नोटिस इट बिकॉज दिस प्रिंसिपल प्लेज a significant role only at a small scale. Macroscopic scale पर, large scale पर हम इसका impact नहीं observe कर पाते हैं. So it is a very good, very simple, very elegant experiment to demonstrate Heisenberg's uncertainty principle in real life. So यहाँ पर आ जाओ अभी screen पे देखो. So as a add-on explanation to what is happening in that experiment, see when the slits are being closed in the horizontal direction, taking the slit, the opening is being closed in the horizontal direction. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग horizontal direction में जो laser के photons हैं,
उनका एग्जैक्ट पोजिशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट हम लोग उनकी एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पोजिशन है उसकी अनसर्टेनिटी कम कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट वॉट इज हैपनिंग इज दैट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम और द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दैट इंक्रीजेस एंड दैट अनसर्टेनिटी इट डज नॉट मैनिफेस्ट इन द स्पीड. ठीक है, स्पीड तो फोटोन का सी रहेगा. इट एक्चुअली मैनिफेस्ट इन द डायरेक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल दैट कम्स आउट एंड द फोटोन स्प्रेड इन दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दैट लीड्स टू दैट बीम ऑफ लेजर और दैट स्पॉट ऑफ लेजर स्प्रेडिंग आउट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये समझ में आया? Now, why it happens? This is actually the dual nature of matter only. This is what is happening that we say or attribute it to the dual nature of matter. It does not come out as an intuitive understanding if we think of just the particle nature of matter. It is the dual nature which is responsible for this kind of a behavior. Okay. So this is something which is a very interesting and a path-breaking experiment also, because it discards our earlier concept of model. Of concept of model of atom. तो यहां पर आप नोटिस करना दैट इसका इम्प्लीकेशन क्या आया. ठीक है, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इन द नेक्स्ट क्लास. तो नाउ बिकॉज ऑफ हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ध्यान से नोटिस करना, एच यू पी हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कार्ड्स the concept of orbit or a well defined path of electron around the nucleus. Why so? Because if you say, let's say jaise Bohr's model hai, and Bohr's model mein aapne bola that electron is following a certain path. ठीक है, the moment you say this, you violate Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, because if you know the path, ठीक है, because if you know the well-defined path, then what you mean to say is that you know the exact position. ठीक है, मान लो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर है, और आपको क्योंकि पाथ पता है तो आपको यह भी पता है कि उसका अगला पोजीशन क्या होगा. तो यानी कि आपको डायरेक्शन भी पता है, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम भी पता है बिकॉज आपको डायरेक्शन पता है, विच इज इन वायलेशन ऑफ हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. So this concept, it discards the concept of well-defined path of an electron around the nucleus. This is no longer applicable. Okay, this, or you can say, thus a concept of probability is introduced. To understand electron around nucleus. So as a result of this, now we will never be able to definitely say that this is the kind of motion that the electron has around the nucleus. Circular path, elliptical path, zigzag path, hum log nahi define kar sakte hain, because the moment you define a path,
That means you know the initial position, you know the final position, you know the direction. That means you can simultaneously determine the position and the momentum, which is absolutely incorrect. Or it basically violates the Heisenberg's uncertainty principle. So we are now going to talk about that electron hai nucleus ke around, and we can say ki maybe 90% chance hai ki is region mein present hoga. Ya 95% chance hai ki is region mein present hoga. So we will now in the next class introduce this concept of probability in more detail. ठीक है अच्छा रुद्र कॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द ड्यूअल नेचर. ठीक है आप मुझसे पूछोगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा क्यों है. ठीक है सो द आंसर इज दैट दिस इज समथिंग विच इज अ फंडामेंटल ट्रूथ. दिस इज द फंडामेंटल रियालिटी ऑफ वॉट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. दैट वॉज द कंक्लूसिव स्टेटमेंट that came from Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है now आज जो मैंने बताया है definitely इसके numericals भी मैं discuss करूंगा आपके साथ next class में. ठीक है numerical part थोड़ा easy है but as a concept इसको digest करने में थोड़ा सा time लगता है. ठीक है I would recommend you to read a little bit more on it from NCERT एज वेल एज आज का जो मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाया. ठीक है इसको दोबारा आप ध्यान से ऑब्जर्व करना. इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको यहाँ पर दिया. ठीक है दैट वी आर डिक्रीजिंग द अनसर्टेनिटी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द पोजिशन. सो अनसर्टेनिटी इन द स्पीड और यू कैन से डायरेक्शन अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी और द डायरेक्शन actually increases and जिसकी वजह से photons they start to spread around. ठीक है in fact अगर आपको एक और video का link मैं भेजूँ explaining the same thing. ठीक है the same experiment वो Veritasium का एक और video है जिसमें he has tried to explain it well and explain it in a similar manner. Let me just find that video also. मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ. हाँ ये वाला ही था. सो ये वाला भी आप देखना. नॉट द एड. हाँ यही वीडियो है. ठीक है मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ. ये भी देखना. ये भी आपको हेल्प करेगा. अरे मानस को चला गया. एवरीवन को जाएगा. हाँ ठीक है चलो आज के लिए इतना काफी है. मैं आप लोगों को होमवर्क ऑलरेडी दे चुका हूँ तो आप उसके ऊपर वर्क करो एंड देन वी विल डिस्कस फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है ऑल राइट चलो थैंक यू गाइज टेक केयर.